क्यूरियस को जगाने के लिए ये इस तरह का फोल्डिंग किया। आप मुझे अगर कहना है कि नेक्स्ट कौन सा जानवर आएगा तो मुझे बच्चों से बात करनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा नेक्स्ट क्या है। फिर मुझे मैंने कहा वेयर इज़ माई मदर, क्या आप मेरी माँ हो? तो फिर यहाँ पे है ये हैन है, उसने कहा नो आई एम नॉट योर मदर, आई एम ए हैन। तो जब बच्चों से इस तरह की बात करते हैं तो बच्चे खुद भी इंग्लिश को बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं और बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं। फिर मैं पूछूंगा अगर नेक्स्ट कौन सा जानवर आ सकता है, तो जस्ट गैसिंग है बच्चों का, उसमें नेक्स्ट कौन सा जानवर आ रहा होगा, वो हो सकता है वाइल्ड हो और हो सकता है वो पेट एनिमल्स भी हो सकते हैं, कोई भी आ सकता है। तो जस्ट गैस करने के लिए कौन सा एनिमल आएगा, कोई जंगली आएगा या कोई पालतू आएगा, कुछ भी गैस करेंगे बच्चों को। उसके बाद कहते हैं चलिए ठीक है लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट कौन सा हमारे पास एनिमल्स आएगा, और फिर हम उनको बच्चों को इस तरह से आगे बढ़ा करके नेक्स्ट हम दिखाएंगे ओह ये तो कैट है। फिर हम कहेंगे फिर ये छोटी जो चिड़िया है ये बोलेगी आर यू माई मदर, ये कैट बोलेगी नो आई एम नॉट योर मदर, आई एम ए कैट। इस तरह से पूरा स्टोर ये आगे बढ़ता चला जाएगा और बच्चे इसमें क्यूरियसली सुनते भी रहेंगे और कुछ ना कुछ स्पीक बोल भी रहे होंगे, इससे उनकी लिसनिंग स्पीकिंग भी बढ़ रहा होगा और साथ में उनका कॉन्फ्रेंसन भी उनका बढ़ रहा होगा, उनकी वोकेबुलरी भी बढ़ रही होगी और थिंकिंग भी उनका कहीं ना कहीं हो रहा होगा। तो इसी को थीम में ध्यान में रखते हुए पूरा स्क्रॉल मैंने डिजाइन किया और यही स्क्रॉल में बनाया।